हेलो डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास सिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपको एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल्स का। डायमेंशंस दे रखी हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, फोर पार्ट्स, तो हमें ये फोर पार्ट सॉल्व करने हैं। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, आपको रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। अगर आपको ये पता है कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तो क्वेश्चन में नहीं है, कुछ भी नहीं पता तो अब पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ए पार्ट इसमें लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो एक लिख लीजिए कोई भी लेंथ, दूसरा हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम था रफ तो बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि 3 सेंटीमीटर तो छोटा हो गया, बड़ा हो गया बड़ा कर दिया, और 4 सेंटीमीटर हम छोटे पे लिख रहे हैं, तो ये रफ डायग्राम है तो रफ डायग्राम में चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मेजरमेंट करके थोड़ी करना है, हम कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें लिखते हैं लेंथ कितनी दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एंड दैट इज 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आता है एरिया की बात कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ये होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 3 इंटू 4 और ये हो गया 12। अब यूनिट देखिए क्या है, देखिए मल्टीप्लाई में है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। यूनिट पर ध्यान देना है, तो हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वेयर लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, इस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर की भी मल्टीप्लाई हो रही है, दो बार आ रहा है इसलिए स्क्वेयर लिख दिया। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर सिंपल पैरामीटर निकालोगे तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो देख के उसमें लिखना है, और अगर एरिया निकालोगे तो मीटर स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर किलोमीटर स्क्वेयर उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो बी पार्ट इसका, बी में सेम लेंथ कितनी है 12 मीटर, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर। देखिए सी डी इंटरेस्टिंग है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, देखना है तो लास्ट तक। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 21 मीटर, 21 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर के लिए 3 डॉट्स, एक ऊपर दो नीचे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ये कितना हो जाएगा, अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड लेंथ है 12, ब्रेथ है 21, इनका मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिखोगे, और यूनिट मैं लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें मीटर में दे रखी थी, तो यूनिट कौन लिखेगा, मैंने लिखा है, और इसका आंसर कौन बताओगे, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ओके सी एंड डी, अब देखिए डी डिफरेंट है, सी भी सेम हो जाएगा, सी भी इजी है आपका, तो सी भी आप इजीली कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 2 किलोमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 3 किलोमीटर। अब इसका क्या निकालना है, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखूं, यस गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ, वैल्यू पुट कर लीजिए 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 किलोमीटर स्क्वायर। देखो इजी था तो मैंने कर दिया है ना, टफ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ। ओके डी पार्ट, ये देखिए एक मीटर में दे रखा है, एक सेंटीमीटर में दे रखा है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ये क्या है 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये कितना है 70 सेंटीमीटर। तो अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता कि एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो या दोनों को सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। आपको पता है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया मैंने 200 सेंटीमीटर
अब एरिया इजी है, देयरफॉर अब तो इजी हो जाएगा। बस एक यही डिफिकल्टी थी कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और इसका फॉर्मूला सेम वही, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी है 200 और ब्रेड्थ कितनी है 70, तो इसका कैलकुलेशन करके कौन बताएगा? आप बताओगे कि इसकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना आंसर आता है। इसमें टोटल 4 पार्ट्स थे, हमने 4 पार्ट्स कर लिए। थैंक यू।